अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि HP का लैपटॉप है और i5 फोर्थ जनरेशन का लैपटॉप है। इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। तो आज की वीडियो में हम इसके डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के ऊपर GTA 5 खेल के देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी स्पेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो स्पेक्स हैं वो i5 का फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर है जिसका मॉडल है 4300U। अब इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.550 GHz जो है इसकी वो क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर की। और अभी अगर इसके हम डेडिकेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो इसके अंदर AMD के डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगे हुए हैं जो कि इसके ऑनबोर्ड ग्राफिक्स हैं AMD के। उनके अगर मॉडल की बात करें तो वो AMD Radeon HD 8750M। तो 1 GB का ये ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है और GDDR5 है। अभी जो यहाँ पे ऊपर वीडियो आ रही है वो मैंने 1 GB GDDR3 के ऊपर GTA 5 खेली थी और उस टाइम उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ था, वो एक जो PC बड़ा वाला PC होता है उसके ऊपर मैंने खेली थी और उस टाइम उसके अंदर i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ था। क्या हम लोगों को तकरीबन उतनी परफॉर्मेंस मिलेगी GTA 5 के साथ इस लैपटॉप पे? तो फिर तो बढ़िया हो जाएगा कि 1 GB का ग्राफिक का DDR5 वाला है उससे तो बेहतर ही होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके बराबर ही मिलती है क्योंकि वो बड़ी मशीन थी तो बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा कि हम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मशीन आप लोगों के लिए गेमिंग के लिए कैसी रहेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर GTA 5 ठूस हो जाती है तो भाई साहब फिर आप लोगों को ये लैपटॉप बाय नहीं करना। वो एक और लैपटॉप है जो कि मैं वीडियो के एंड पे मेंशन कर दूंगा वीडियो, उसके ऊपर मैंने GTA 5 खेली हुई है। तो फिर आप लोगों को वो वाला लैपटॉप बाय करना है। और अगर आप लोगों ने इन वो वाला जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ वो डेल का लैपटॉप है i5 फिफ्थ जनरेशन का, उसकी स्पेक्स सेम ऐसी ही हैं बस वो i5 फिफ्थ जनरेशन का, उसके अंदर इंटेल के HD ग्राफिक्स हैं, तो फिर आप लोगों को वो वाला लैपटॉप बाय करना है। और अगर आप लोग इन दोनों के कंपैरिजन को देखना चाहते हो तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, इसके ऊपर गेम चला के देखते हैं कि हमें कैसी सिचुएशन मिलती है। तो स्क्रीन यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, हम लोग कैमरा से स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे और वही देखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने में इसके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो घुल मिल जाने हैं साथ और हमें परफॉर्मेंस जो गेम की है वो नहीं मिलेगी सही वाली। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर जरूर क्लिक किया करो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, मक्खी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो अभी हम लोग किसकी स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन होता है। गाइस, यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि गेम के साथ साथ वो स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर ले, इसीलिए मैं इसकी स्क्रीन को कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफिक कार्ड दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, इसके अंदर दो ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, एक इंटेल के HD ग्राफिक्स और दूसरा AMD Radeon HD 8750M। पहले मैं यहाँ पे आपको इसके जो प्रोसेसर वगैरह वो भी दिखा दूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो i5 4300U है और जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.9 GHz है। टॉप फ्रीक्वेंसी है जिस पे ये फुल फ्रीक्वेंसी पे जा सकता है वो 2.50 GHz है और 8 GB की इसके अंदर रैम लगी हुई है और 256 GB की इसके अंदर SSD लगी हुई है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं किधर की GTA 5 इसे प्ले कर देता हूँ। तो सेटिंग्स का सीन ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है सबसे हाई सेटिंग्स करेंगे, बिल्कुल हाई एंड ग्राफिक्स लिमिट को बंद करके जस्ट हम लोग सेटिंग्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे और देखेंगे कि कितने पॉइंट्स तक सेटिंग हाई जाती है और क्या उस पे गेम प्लेएबल होती भी है या नहीं होती। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और इसकी सेटिंग्स को जो है वो हम लोग फुल हाई सेटिंग्स पे सेट कर देंगे, मैक्सिमम जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले ग्राफिक्स में आ जाता हूँ मैं यहाँ पे और इसका डिस्प्ले पहले बढ़ा सकते हैं, फुल स्क्रीन पे करते हैं इसको ऐसे। अब हम लोग यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट करते हैं। अभी हम लोग इसको करते हैं सेव और देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो मोशन ब्लर को ऑफ ही रखते हैं, वो बहुत गंदा सीन पैदा करते रहते हैं। तो अभी गेम रीस्टार्ट होती है तो उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को मैं फुल स्क्रीन पे करके और उसके बाद हम लोग गेम को प्ले करते हैं और देखते हैं कि सुपर अल्ट्रा हाई सेटिंग्स वो चलती है कि नहीं। अब देखो गाइस, यहाँ पे इसकी जो अपनी मेमोरी है वो 1024 MB है और 2885 MB यानी कि तकरीबन 2.5 GB तक की हम लोगों ने इसमें सेटिंग्स कर दी है कि 2.5 GB ग्राफिक मेमोरी होता तो उस वक्त तक हमारी ये सेटिंग्स मतलब जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 GB है। तो कोई नहीं, लोड डाल के देखते हैं क्योंकि पहले हम लोगों ने ये वाला काम जो है अपने एक जो DDR3 ग्राफिक कार्ड मेरे PC में लगा हुआ था उसमें भी किया था, तो वहाँ पर तो ये चीज़ थोड़ी वर्क कर रही थी।
कि हाई ग्राफिक्स पे भी गेम चल जाती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या सीन होना है। तो करते हैं इसको सेव और गेम को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दो, और मैं यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस गेम स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 FPS आ रहे हैं, और इस लैपटॉप को मैंने इस टाइम पे पावर ब्रेक के साथ भी लगाया हुआ है, जिससे स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस आती है। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स जो हमने इसके ऊपर लगाई हैं, उस पे तो भाई गेम का भी दिमाग चकरा गया। ये देखो 4 और 5 FPS आ रहे हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, शायद थोड़ा आगे चल के ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसके ऊपर। ये देखिए आप लोग, GPU 100% यूज़ हो रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 3 और 4 FPS आ रहे हैं। तो यहाँ पे से पॉज करते हैं, और एक और चीज़ मेरे माइंड में आई है, उसको चेंज करके देखते हैं, शायद से हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाए और हम लोग तकरीबन 15-20 FPS ही अचीव कर लें। तो यहाँ पे गेम को पॉज करते हैं, ग्राफिक्स पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो अपनी रेजोल्यूशन है, पहले वो 1600x900 थी, जो ये लैपटॉप का डिस्प्ले मैक्सिमम सपोर्ट करता है, लेकिन हम लोग इस पर तकरीबन ये जो 720p के करीब ये वाली रेजोल्यूशन है, इस पर आ गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो इसे चेंज करने से ऊपर ग्राफिक्स की जो मेमोरी है उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे जो इसकी 720p वाली है, उस पर करके देखते हैं, तो शायद कोई जुगाड़ लग जाए यहाँ पे और हमारे FPS इम्प्रूव हो जाए। एंड अभी चल के देखते हैं कि हमारी गेम में कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई, क्योंकि ग्राफिक्स की जो मेमोरी है वो तो कुछ MB कम हुई है यहाँ पे, तो अभी भी बहुत गंदा लैग कर रही है, 3-4 से ऊपर नहीं जा रहे FPS, वही पुरानी सिचुएशन है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, अपनी जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है उसको इससे एक स्टेप लो लेके आते हैं, और रेजोल्यूशन को 2269 MB जो मेमोरी है वो इसने कंज्यूम की हुई है, और जो असल मेमोरी है वो 1024 MB है। अभी देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो गाइस इस टाइम भी गेम ने ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन FPS थोड़े से इम्प्रूव हो गए हैं, और यहाँ पे 14-15 FPS आ रहे हैं। तो गेम यहाँ पे थोड़ा सा लैगी एक्सपीरियंस दे रही है, अटक अटक के चल रही है, क्योंकि FPS के हालात आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल गंदी यहाँ पे चल रही है गेम। तो अभी हम लोग इस पर भी वही टेक्निक लगाएंगे, अपनी जो रेजोल्यूशन है उसे कम करके देखेंगे, और देखते हैं कि हमारे FPS है वो इम्प्रूव होते हैं। तो अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि गेम प्लेएबल हुई है, लेकिन फिर भी FPS बहुत गंदे आ रहे हैं, 10-11 FPS आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गेम चल रही है, वो बहुत लंबे वाले लैग नहीं कर रही, हल्का हल्का लैग कर रही है। तो अभी यहाँ पे आप लोग इसका देख सकते हो एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। तो अगर आप लोग इस लैपटॉप पे GTA 5 खेलना चाहते हो, तो अभी जो सेटिंग्स मैं करने जा रहा हूँ उस पे तो इसको चलना ही चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में आते हैं, अभी भी ठीक से ना चली, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन को ये 1366x768 पे कर देना है, ठीक है, और इससे आपकी गेम बिल्कुल सही चलेगी। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं। तो गाइस जो हमने लोअर सेटिंग्स की हैं उनके ऊपर तो गेम बिल्कुल ठीक ओपन हो गई है, थोड़ा सा टाइम लिया इसने ओपन होने में, लेकिन हमें यहाँ पर तकरीबन 25-27-30 FPS का गेम प्ले हम यहाँ पर अचीव कर चुके हैं इन सेटिंग्स पे। और अगर हम लोग इन्हीं सेटिंग्स पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, कि हम लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे तो फिर से हमारे FPS जो हैं वो 20 से नीचे वाली लाइन में चले जाएंगे और गेम लैगी फील होगी। लेकिन इस टाइम पे गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे स्मूथ गेम चल रही है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को इसका यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूँ, और कोई अच्छी सी लोकेशन लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग माइकल के गैराज में चलते हैं और अपनी कोई गाड़ी उठाते हैं वहाँ से। तो एक दूसरा मेरे पास लैपटॉप है, डेल एटीट्यूड E5450, उसके अंदर इंटेल HD ग्राफिक्स लगे हुए हैं 55,000। तो उसके ऊपर सेम ऐसे ही गेम प्ले, बल्कि इससे थोड़ा सा बेहतर गेम प्ले अचीव हुआ था। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो, तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जा कर देख सकते हो।
तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गाड़ी को भगाते हैं, आपको गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाते हैं ताकि आप लोगों को ग्राफिक क्वालिटी पता चल जाए कि कैसी है। तो ये देखिए गाइस, ठीक ठाक ग्राफिक क्वालिटी हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिया, लेकिन अभी हम लोगों ने इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करना है। हमने इस पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके देखनी है कि क्या स्क्रीन रिकॉर्ड करने के काबिल है ये लैपटॉप, या फिर जस्ट आपको गेम प्ले दे सकता है वो भी लोएस्ट सेटिंग पे। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100% यूज़ हो रहा है यहाँ पे हमारा जो GPU है, और 91 डिग्री उसका टेम्परेचर है। CPU का टेम्परेचर भी इतना ही है, लेकिन उसका जो यूजेज है वो कम है। तो गैराज की तरह के अपना, तो यहाँ पे हमारा गैराज है, उसमें जाते हैं और अंदर से कोई गाड़ी उठाते हैं अच्छी सी, इधर इसे साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग साथ साथ FPS देखते रहो, 30 FPS का गेम प्ले तो यहाँ पे आ रहा है। और इस लैपटॉप पे इस पैक्स के साथ ये वाला गेम प्ले आई थिंक जो 30 FPS वाला है मोर देन इनफ है, क्योंकि इसकी जो ग्राफिक्स कार्ड की क्वालिटी है वो बिल्कुल जो है ना लोअर सी है, और उसकी जो क्लॉक स्पीड वगैरह भी है वो भी 810 MHz, और इस तरह थोड़ी थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन है इस ग्राफिक कार्ड की। तो इस पे आप लोगों को लोअर सेटिंग्स पे जो गेम प्ले अचीव हो रहा है, आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन है अगर आप लोग जो 35 to 38K के बजट में एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हो जो आपको हल्की फुल्की गेमिंग भी करवा दे, और आपके जो ग्राफिक्स वाले जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो सारे प्रोसेस आपके हल्के फुल्के स्मूथली करवा दे, तो आप लोग ये वाला लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इस लैपटॉप की, और डेल का एक 5th जनरेशन का लैपटॉप है जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो इंटेल का ग्राफिक कार्ड है उसकी मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में भी आ रही होगी, और आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वो आप लोग देखो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर आप लोगों ने ग्राफिक्स के रिलेटेड काम करना है तो आपको ये वाला बाय करना चाहिए या वो वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए, और अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है तो फिर आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए। तो अगर आप लोग गेम प्ले की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप लोग इसके ग्राफिक्स के रिलेटेड काम की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो दोनों वीडियो ज़रूर देखो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अच्छा खासा ठीक ठाक हमें गेम प्ले यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देता हूँ, और आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने जस्ट गेम खेलने के लिए लैपटॉप बाय करना है तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो कि आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो बाकी काम भी कर ले और हल्की फुल्की गेमिंग भी करवा दे। लेकिन अगर आप लोगों ने गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करना है तो मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग ये वाला लैपटॉप बाय करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने अपना चैनल का पेज ओपन किया हुआ है तो मैंने सोचा आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिखा दूँ जो कि आपको नज़र नहीं आता, तो ये वाला बटन प्रेस आपने करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।